हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और अभी शाम के 7 बज गए हैं और मुझे पूरे 3 घंटे हो चुके हैं ऊपर के रूम में आए हुए। और मैंने यहाँ पर एक मराठी लुक क्रिएट किया है मेरे ब्यूटी के चैनल के लिए। ये मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है एक्चुअली। जैसे मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये चंद्र बिंदी कुमकुम से बनाने की कोशिश की है, और आज एक ये मराठी लुक क्रिएट किया है। और ये मेरा पूरा सामान फैला पड़ा है, और इधर ये सब कुछ सारा आपको ऐसे फैला वैला दिख जाएगा रूम, तो उसको प्लीज़ बिल्कुल भी माइंड मत करना। जब कोई काम करते हैं तो ऐसे ही हो जाता है, चाहे वो कुछ भी मतलब हो, घर में, किचन में हो, कहीं भी हो, तो सारा सब कुछ फैल ही जाता है। तो अभी जब मैं ये सब कुछ निकालूंगी उसके बाद ये सारा सब कुछ यहाँ से हटाने वाली हूँ। और मे भी हो सकता है कि मैं कल करूँ इसको, क्योंकि अभी टाइम बहुत लेट होता जा रहा है। और मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आज मैंने पूरा प्रॉपर एक आपको हेयर स्टाइल का वीडियो मिलने वाला है, एक मराठी साड़ी कैसे बियर करें इसका वीडियो मिलने वाला है, और थर्ड आपको एक मराठी मेकअप लुक का वीडियो मिलने वाला है। और आपको बता दूं, आज मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गई हूँ, मैं इतना परेशान हुई हूँ कि मैं सोच कर आई थी कि अच्छे से एसी में बैठ कर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैंने पूरा पसीना निकलते निकलते वीडियो बनाया है, क्योंकि आज लाइट ने इतना इतना परेशान किया है और अभी भी हो रहा है। लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। वो तो मेरी रिंग लाइट है, तो रिंग लाइट ने आज मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी, घंटों लगे हैं मुझे मेरे हेयर को कर्ल करने में। सिर्फ ये 2 मुझे लटें कर्ल करनी थी, लेकिन ये भी नहीं हो पा रही थी। और क्या बोलें कि मतलब मेकअप सोचा था कि अच्छे से आज बहुत ही आराम से करूँगी, लेकिन कुछ भी पॉसिबल हो ही नहीं पाया है। और मतलब मन हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे चली जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे? इतनी देर मेहनत की है, इतनी देर मैंने अपना हेयर स्टाइल पहले किया, फिर सारा सामान निकाल के रखा कि कौन सा आउटफिट पहनना है, कौन सी ज्वेलरी वेयर करनी है, कौन सी बैंगल्स वेयर करनी है, बैंगल्स एंड नेल पेंट वगैरह सब लगा लिया था मैंने पहले ही। और इसके साथ ही जब मेकअप की बारी आई तो लाइट ने मुझे दुखी करके रख दिया, रुला के रख दिया, इतना जब परेशान हुई हूँ। और हाँ, आज मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है आज इतना रेडी होने के बाद, कि इतना तो रेडी मैं कभी फेस्टिवल पे भी नहीं हो पाती हूँ। तो चलिए फटाफट से रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं। आज मैंने मेकअप में बहुत कम टाइम लगाया है, ओनली 45 मिनट्स लगे होंगे, अदरवाइज मुझे बहुत टाइम लगता है। बाद बाकी मुझे और प्रिपरेशन में बहुत टाइम गया, कम से कम आधा घंटे तो हेयर कल करने में गया, लेकिन ये कल जो है बिगड़ चुका है, क्योंकि मैं मेकअप करते टाइम ये बार बार मुझे ऐसे करना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। और क्या बोलूँ, मेरा जो लुक है मैं आपको नीचे चल के पूरा दिखाने वाली हूँ, और आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसी साड़ी वेयर की हुई है। आप में से जो भी लोग मेरा चैनल वॉच करना चाहते हो, ब्यूटी विद कृतिका चैनल पर आपको ये मेकअप लुक मिलेगा, DIY चैनल पर आपको ये साड़ी बांधने का वीडियो मिलेगा, और हो सकता है मैं ब्यूटी विद कृतिका चैनल पर ही शेयर कर दूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ, या फिर हेयर स्टाइल का वीडियो DIY पर डालूंगी। DIY कृतिका नाम से अगर आप चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्पफुल वीडियो, छोटी छोटी वीडियोज डालती हूँ मैं वहाँ पर, वो देखने के लिए मिल जाएगा। मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड जो भी होम रेमेडीज होती हैं सारे ब्यूटी के चैनल पर जाती हैं, तो वहां देख सकते हैं। और ब्लॉग चैनल मेरा ये है इंडियन ब्लॉगर कृतिका, तो आप मुझे यहां पर वॉच कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कुछ शेयर करने की आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, गाइस प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं इस नीचे और थोड़ा सा मम्मी का रिएक्शन नोट करते हैं कि मम्मी मेरे इस लुक को देखकर क्या कहती है। और चलिए अगर ये हुए तो फिर इनका भी थोड़ा सा क्लिप तो लूंगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। अभी आऊंगी ऊपर। मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? आज मैंने मराठी साड़ी बांधने की कोशिश की है और ये है मेरा लुक, शीशे में आ रहा है, ये हवा में उड़ रही है, अदरवाइज इसमें प्लेट सही बनी है बिल्कुल। और बहुत कोशिशों के बाद ये मेरी साड़ी इस तरीके से आ पाई है। एक बार बांधी ये लूज हो गई, मतलब ये पैर में टाइट नहीं आ रही थी नीचे से, अब टाइट हो गई ना, ये हवा भर गई है इसमें थोड़ी सी, इसलिए है। अरे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो क्या हो गया, आप तो मैक्सी ही पहनती है,
मैं सोचा चलो अपना लुक आपको दिखाऊं कैसा लग रहा है, ब्लॉग भी बना लेते हैं साथ के साथ थोड़ा सा। मम्मी सही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ट्यूबलाइट जलाओ कमरे की, ऐसे आएगा ही नहीं। हाँ लाइट ने तो बहुत दुखी कर दिया है। तो गाइस ये है आज का मेरा लुक, आपको मेरे शीशे में दिख जाएगा। मम्मी की ड्रेसिंग में देखिए, चप्पलों के ऊपर मराठी साड़ी पहन के आई हूँ मैं, और ये पूरा हवा की वजह से उड़ रही है। अदरवाइज ये साड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंध गई है। और मैंने ना मम्मी एक बार बांधी तो ये वाला पैर देखो टाइट नहीं आ रहा था, अब नीचे वाले आपको दोनों पैर जैसे ना अलग अलग दिख रहे होंगे, देखो टाइट होके आए हैं। तो एक बार मैंने इसे खोली साड़ी पूरी बांधने के बाद, फिर मैंने दोबारा बांधी, और चक्कर क्या है कि जो साड़ी में जो नाप होता है ना यहाँ से गांठ लगाई जाती है, अगर वो सही नहीं है तो साड़ी सही नहीं है। मैंने 6-7 बार गांठ लगाई है। ये वाला हिस्सा मतलब लेफ्ट पैर का जो हिस्सा है ये सही आना चाहिए, अगर ये सही आ गया तो साड़ी सही आ जाएगी बिल्कुल। कैसा लगा मम्मी? बहुत देर लगा मुझे, 3 घंटे लग गए। देखो बैंगल्स मैच की है और नोज रिंग आपने नोट की? हाँ तो गाइस चलिए एक बार आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। और ये है मम्मी का रिएक्शन। मम्मी को मैं जब भी कोई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, मम्मी मेरी बिंदी सही लगी है ये बताओ? मैंने पहले गोल वाली बिंदी लगा ली तो वो वैसा बंगाली लुक देने लगी, बड़ी भी गोल बिंदी, ऐसा लग रहा था कि मैंने बंगाली मेकअप किया हो। फिर मैंने इसे चेंज किया और नेकलेस वगैरह देखो ये सेट कर लिया, एक चैन पहन ली और फ्लावर अपने सही करके लगा लिए, ये टूट गए थे दोनों, गजरा भी लगा लिया और पूरा अच्छे से मेकअप करने की कोशिश की है। हाँ तो फ्रेंड्स ये है फाइनली लुक, और आप लोग नीचे देखिए लाइट का कितना फर्क पड़ रहा है, लाइट बार बार आ जा रही है और बहुत कम प्रोडक्ट के साथ ही मेरा मेकअप है, और बेस मैंने बहुत कम चीज़ों के साथ बनाया है। और ये वाली नथ मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, मैं डिफरेंट टाइप की परचेज करती रहती हूँ, मुझे दुल्हन वाली नथ या फिर ये वाली नथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सारा मैंने ज्वेलरी, झुमकी, गले का, मतलब प्रॉपर मेरे पास ज्वेलरी नहीं है थोड़ा सा मराठी लुक देने के लिए, लेकिन आज मैंने मम्मी की साड़ी है, ये मम्मी की ही साड़ी है जो मैंने वेयर की है इस तरीके से, और मम्मी को दिखाने आई थी। आप लोगों को भी मेरा लुक दिख रहा होगा कैसा लग रहा है। मम्मी सही हुआ? कोई कमी लगी आपको बताओ? साड़ी सही बोली है? मम्मी का बहुत मन था, मम्मी मुझे नए नए आइडिया दे देती है कि ऐसी बंगाली वाली साड़ी बांधो, मराठी साड़ी बांधो, तो बंगाली वाली भी मैं बांध के लास्ट टाइम मम्मी को मेकअप करके दिखाया था, और आज है ये मेरा मराठी लुक। और मैंने प्रॉपर मतलब गोल बिंदी लगाई तो मुझे लगा कि मैं बंगाली लुक देने लगी हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये, और ये फूल पता नहीं मैच कर रहे हैं कि नहीं, गजरा तो मैंने लगाया है पूरा, पीछे से दिख नहीं रहा है इतना अच्छे से, अब दिखेगा थोड़ा सा। और बहुत टाइम लग गया आज मम्मी, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं, क्योंकि लाइट ने परेशान कर दिया है, एसी चला नहीं और रिंग लाइट के उस पर मतलब पसीना आता जा रहा है। मैंने मेकअप किया है और मेरे बाल नहीं कर लो पा रहे बड़ी मुश्किल से, कम से कम 1.5 घंटा तो इन 2 लटों में चला गया, ये हो ही नहीं पा रहा था तो करूँ क्या। तो चलिए अब ये सारा सब कुछ निकालूंगी अपना, ये जो इतना पहनने में टाइम लगाया उतना निकालने में नहीं लगेगा, लेकिन ये सारा सब कुछ रिमूव करके और फिर अपना करेंगे इवनिंग का काम, शाम के 7 बज गए। Thank you.
सारा सब कुछ, ज्वेलरी, बैंगल्स, सब कुछ मैंने निकाल दिया है और अब बिना मेकअप के मैं इस तरीके से लगने वाली हूँ। तो नीचे जाकर अपना फेस वॉश करूँगी, मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप रिमूव करूँगी और फिर करूँगी डिनर की तैयारी। 7:45 बज गया है, मैं बहुत लेट होती जा रही हूँ, 7:38 हो चुका है। तो फटाफट से चलते हैं नीचे और क्या बोलते हैं, ये जो सारा सामान है इसे मैं मॉर्निंग में अब हटा कर रखूँगी, क्योंकि ये सब समेटने में मुझे पूरा 1 घंटा लगने वाला है। कपड़े रखने हैं उठा के, उसके साथ ही मेकअप का एक एक चीज़ मुझे अच्छे से सेट करके रखनी होगी और ज्वेलरी वगैरह है सब फैली पड़ी है, उधर भी सारा सब कुछ फैला पड़ा है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नीचे और करते हैं आगे के काम और मिलते हैं आपसे। गाइस अभी 8 बज गए हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय। तोरी निकाल के रखी है तो तोरी कट करूँगी और ये है लौकी की बर्फी, इसे खाने वाली हूँ। और चाय बनाइए इनके लिए, इनको जुकाम हो गया है। और लौंग और काली मिर्च डाल दी है चाय में, तो इनको चाय बनाकर दे देती हूँ। उसके बाद फटाफट से सब्जी कट करके छौंकूंगी, बच्चों को लग गई थी भूख तो उन्हें ब्रेड जैम दे दिया है। तो मैं चाय नहीं पीती हूँ आजकल, मैंने चाय जो है कम्प्लीटली छोड़ दी है। तो चलिए इसको छान लेते हैं, इनको दे आते हैं और कर लेती हूँ आगे की तैयारी। आज मेरा जो है डिनर लेट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डिनर रेडी कर लिया है और तोरे की सब्जी बनाई है, बहुत सिंपल सी। आज ये बोल रहे हैं तुमने ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल नहीं किया है, आज इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। तो कार्तिक ने तोरे की सब्जी से खा लिया है, काव्या के लिए मैंने सब्जी में ही 2 आलू काट के डाल दिए थे, तो इसको खिलाऊंगी आलू और तोरे मिक्स करके। तो चलिए कर लेते हैं डिनर और मिलते हैं आपसे बाद में। अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, ये सारा किचन क्लीन करना है और डाइनिंग भी क्लीन करना है, बहुत गंदी हो रखी है डाइनिंग, पूरा फैली हुई है इस टाइम पर। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पर किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरी तरीके से, थोड़े से बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं और बाद बाकी सारे मैं आंटी के लिए रख दिए हैं। जैसे कप वगैरह होते हैं ना, वो मैं आंटी के लिए नहीं रखती हूँ, चाय की ट्रे हो गई, छोटे छोटे बर्तन हो गए, और ये कुछ कांच के बाउल्स थे और इनके ऊपर लिड भी है, तो मैं इनको क्लीन करके रखने वाली हूँ। और किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दो तो मॉर्निंग की टेंशन नहीं रहती। और आप सबके साथ मैंने बिल्कुल इसीलिए बात नहीं की है बीच में, क्योंकि काम ज़्यादा होना तो फिर ये लगता है स्पीड में सारा काम ख़त्म कर लूँ। और ये मैंने ले लिया है मेकअप रिमूवर, ये मेरे पास मामा अर्थ का है, बहुत अच्छा है और फोमिंग जैसे फेस वॉश होता है सेम उसी तरीके से निकलता है। बस इसे फेस पर अच्छे से लगाओ और इसके बाद अपना चाहे तो कपड़े से पोंछ लो या फिर पानी से भी वॉश कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पानी से वॉश कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर फेस वॉश और यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने अभी मामा अर्थ का ही आप लोगों के साथ शेयर किया था, टी ट्री फेस वॉश, बहुत अच्छा है, मुझे स्पेशली बहुत 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 पसंद आया, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर पानी से मुंह धुलकर मेरे फेस को क्लीन करूँगी और बाद में एक हल्का सा नाइट क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के अभी 9:30 बज गए हैं और मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है। तो पहले मेकअप रिमूवर लगाया था, उसके बाद मैंने फेस वॉश किया है, तो अभी फेस पर एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाकर बस आराम से सो जाऊंगी। और जब तक मेकअप ना निकाल दो, इतनी टेंशन रहती है, लगता है कि मतलब उलझन सी होती है अंदर से। और आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो है, मैंने पहले कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। मैं जब भी कोई मतलब मेकअप वगैरह करती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि नीचे आऊँ, कुछ मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। जैसे एक बार मैंने बंगाली लुक किया था, तब मैंने मम्मी को दिखाया था, आज मैंने सोचा चलो मम्मी को दिखा कर लाते हैं, मम्मी तो होती है नीचे, तो मम्मी को दिखा देती हूँ। तो शाम को गई थी चाय वाय पीने के बाद आराम से ऊपर, और मम्मी को चाय पिला के, क्योंकि मम्मी का 4 बजे टी टाइम हो जाता है, मम्मी को चाय देकर फिर आराम से मैंने मेरा वीडियो शूट किया और फिर फ्री हुई हूँ। कितने बजे, 7:30 बज गया था। बहुत हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करती हूँ, मतलब चाहे आपको 10 मिनट का दिखता हो, आप लोग मतलब जिस तरीके से वीडियोस को एंजॉय करते हैं, और आपको ऐसे लगता होगा कि 10 मिनट का वीडियो ऐसा वीडियो है, मतलब क्लिक किया आराम से एंजॉय किया, लेकिन उस छोटे से वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो को शूट करना, फिर एडिटिंग करना, इतने छोटे छोटे पार्ट को सेकंड के हिसाब से जोड़ना, और फिर
मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आप में से कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियोज़ को, मतलब वॉच तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक मुझे बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक छोटा सा ही कमेंट कीजिए। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसको रिप्लाई नहीं करती। तो बाई चांस अगर छूट जाए कमेंट तो बात अलग है, और पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर पाऊँ। और हाँ, मेरे ड्रेसिंग सेंस को बिल्कुल भी माइंड मत करना, मुझे गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा लगती है, तो गर्मी की वजह से आजकल मैं भी इस तरीके से हल्के कपड़े पहन रही हूँ। जैसे ही वेदर चेंज होता है फिर मैं अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस जो है मेरा इसको चेंज कर दूँगी। तो चलिए करेंगे इस वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल होगा मंडे, एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, कल मॉर्निंग के लिए सारी प्रिपरेशन कर दी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं ऐसा पड़ा छोड़ दूँ कि मॉर्निंग में करूँगी। मॉर्निंग में तो मतलब मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, जो उठते ही मैं काम में लग जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।